वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोगों के घुटने की जो प्रॉब्लम होती है उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोगों के घुटनों में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को उठने बैठने में, चलने में, दौड़ने में बहुत ही परेशानी होती है। तो कुछ थोड़े से उपाय करके थोड़ी सी समझदारी के साथ आप लोग घुटने के पेन को बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज करके उनको मूवमेंट उनका बनाए रख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं घुटने के पेन में, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। तो फ्रेंड्स, घुटनों की एक्सरसाइज के लिए हम लोगों का जो ये पोर्शन है, इसको हम लोगों को ऐसे ऐसे ही घुमाना है, जो इसको कटोरी भी बोलते हैं, जो तो इसको हम लोगों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते रहना चाहिए। आप चाहें तो कोई ऑयल भी लगा सकते हैं इसमें। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको करते रहना है। इसको करीब 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक आप ऐसे ऐसे डेली करिए दोनों घुटनों में। अगर दोनों में आपके पेन है तो दोनों में कर सकते हैं, और अगर एक में है तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको मूवमेंट इसका करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे कोई ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो ऑयल इसमें लगा के आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब एक दूसरी एक्सरसाइज है, वो भी आप 10 सेकंड कर सकते हैं। ऐसे आप पैर सीधे कर लीजिए और ऐसे बैकबोन भी बिल्कुल सीधी रखनी है, और धीरे धीरे सपोर्ट देके, यहाँ पर सपोर्ट देके आपको ऐसे ऐसे अपने पैरों को करना है। ऐसे ऐसे ही आपको ये वाले पैर को भी धीरे धीरे करना है, ऐसे सपोर्ट देके नीचे से। और फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज होती है जिसे आप कोई भी अपनी चुन्नी या कोई भी स्ट्रिप लेकर आप अपने पैरों को सपोर्ट देके आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे है वो एक्सरसाइज। ऐसे आप बैठ जाइए, ऐसे सीधा लेट जाना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सपोर्ट देकर पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है आपको। और ये पोर्शन आपको बिल्कुल सीधा रखना है, इसे ऐसे मोड़ना नहीं है। करीब 10 से 15 सेकंड तक आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए। और इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा करती हैं, उसके लिए देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे सीधा लेट जाइए, बिल्कुल सीधा, और उठाकर उठा के ऐसे 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 जितना आप आराम से कर सकते हैं बस उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है पैरों को। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ के लिए बताना चाहूँगी कि हम लोग को डेली जैसे सुबह से शाम तक खड़े खड़े काम ही करना पड़ता है, और आजकल सब खाना भी खड़े ही होके बनाते हैं, सर्व करना खड़े होके, और वॉशिंग मशीन है तो भी खड़े खड़े धो रहे हैं, तो मोस्टली काम हम लोग खड़े खड़े करने होते हैं। तो आप सबके मन में यही आता है, लाओ ये भी ख़त्म कर लूँ तब रिलैक्स करूँगी, वो भी ख़त्म कर लूँ तब रिलैक्स करूँगी, और खड़े खड़े हम लोगों के घुटनों पर बहुत बोझ पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो और दर्द करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करना, बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करते रहना। जैसे काम कर रहे हैं खड़े खड़े और दर्द हो गए पैरों में, तो थोड़ी देर रिलैक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा लगातार खड़े रहने से भी हमारे घुटनों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि मतलब हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग खड़े खड़े सारा काम कर रहे हैं और कितना स्ट्रेस हम लोगों के पैरों पर आ गए हैं। तो बीच बीच में रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, और आके उठने बैठने के तरीके से भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे घुटनों पर। जैसे लगातार बैठे बैठे काम न करिए, जैसे आपका कोई कंप्यूटर वर्क है या आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा उठ के इधर उधर टहल लिया, थोड़ा घुटनों को उससे रिलैक्स मिल जाता है। क्योंकि जितना आप एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं तभी हम लोगों के घुटनों में दर्द होता है, चाहे वो पोजिशन बिल्कुल
खड़े होकर हो रही हो चाहे वो बैठ कर हो रही हो, इसलिए बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर आपको नहीं बैठना है। और इसके अलावा आप रनिंग कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज रनिंग करना है, घुटनों में पेन है तो वैसे भी आप धीरे धीरे कर पाएंगे, तो आप फास्ट चल सकते हैं, फास्ट मॉर्निंग के टाइम चलिए, देखिए आपको बहुत रिलैक्स होगा। और माइंड सी एक्सरसाइज करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने घुटनों को परेशानी नहीं देनी है कि हमसे नहीं हो पा रही हो, ज़बरदस्ती करनी है, ऐसा कुछ भी मत करना आप लोग, बस लाइट एक्सरसाइज जिससे वो चलते रहें धीरे धीरे। जितना एक्सरसाइज से हम लोग अपनी बॉडी को चलाते रहते हैं हमारी बॉडी उतनी ही अच्छी बनी रहती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर आप लोगों में से किसी के भी पेन है तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मैं आशा करती हूँ आप लोग हमेशा अच्छे बने रहें। तो घुटनों का दर्द फ्रेंड्स इसीलिए हम लोगों को होता है क्योंकि हम लोग के घुटनों में जो फ्लड होता है, फ्लूड जो बोलते हैं जिसको, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ऐसे करके जो घुटना जुड़ा रहता है और बीच में जो उसके फ्लड होता है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी में आसानी होती है, तो वो कम हो जाता है, तो हम लोगों के घुटनों में बहुत पेन होता है। तो इस ये ना हो इसके लिए हम लोगों को अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को डेली 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं लिख भी सकते हैं कि आपको पानी डेली पीना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग अपने पानी को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब कामों में लगे रहते हैं लेकिन पानी पीना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तभी हम लोग पानी पीते हैं। तो 8 से 10 गिलास आप पानी पीजिए और 1 गिलास दूध आप डेली पीजिए, क्योंकि जो फैट होता है वो हम लोगों की बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन कुछ हम लोगों की हड्डियों के लिए कुछ ज़रूरी फैट्स जो हैं जिनमें कोई नुकसान नहीं है वो फैट हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग 1 गिलास दूध डेली लेना चाहिए, और नट्स ले सकते हैं, जैसे सर्दियों में आप मूंगफली के दाने तल के खा सकते हैं, और अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स का जो फैट होता है वो हम लोगों को नुकसान नहीं करता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उससे सिर्फ फैट बढ़ता है जो हम लोगों की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप ज़रूर लिया करेंगे जिनके भी घुटनों में पेन होता है। और कुछ गलतियां हम लोग जैसे करते हैं, जैसे चलते चलते जो एकदम से मुड़ते हैं तो वो हम लोगों को नहीं मुड़ना चाहिए। जैसे हम लोगों के घुटनों में दर्द होता है तो ऐसे एकदम से उठना और एकदम से बेंड हो जाना, मुड़ जाना, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए नुकसानदायक होती हैं। और डेली आपको थोड़ा थोड़ा रनिंग करना चाहिए, हालांकि जिनके बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनको ये सब चीज़ें करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, जैसे जल्दी जल्दी चलना, बहुत तेज़ रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, लेकिन जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तो जितना रनिंग करेंगे आप, जितने आप अपने घुटनों को चलाते फिराते रहेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक सबसे ज़्यादा खास बात है अलसी का प्रयोग, अलसी आप लोग जानते होंगे, तो वो जो अलसी है वो हम लोगों के घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, उससे हम लोगों का घुटनों का फ्लड बढ़ता है। तो आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं, अलसी का पाउडर बना के रख सकते हैं, उसको दूध के साथ या किसी शेक के साथ आप, मतलब जितना ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे आपके घुटनों का फ्लड उतना ही सही रहेगा। और किसी अच्छे तेल से रात में डेली मालिश करिए, जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आप ज़रूर करिए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उठते समय बैठते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो आपके घुटने बहुत अच्छे रहेंगे। आई होप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।